नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कटिहार से अमृतसर के बीच ट्रेन तो चलाई गई और ट्रेन चलाने के बाद जगह जगह स्टॉपेज भी दिया गया, जैसा कि ललित ग्राम, राघोपुर, इन सब में स्टॉपेज दिया गया है। लेकिन ललित ग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ललित ग्राम रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर पर टिकट नहीं दिया जा रहा है, जिससे यात्री वहाँ पर परेशान हो रहे हैं और टिकट के लिए इधर उधर फेरे लगा रहे हैं, लेकिन उनको टिकट मिल नहीं रही है। और साथ ही वहाँ पर अनाउंस करके ये भी बता दिया जाता है कि यहाँ से ट्रेन का टिकट अवेलेबल नहीं है, तो आप कहीं और से टिकट की व्यवस्था करें या फिर खुद से मोबाइल से ही टिकट बुक करें। अब बताइए कि अगर जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या फिर जिन्हें टिकट बुकिंग करना नहीं आता, तो आखिर वो टिकट कैसे बुक करें खुद से। और ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद पता लगता है कि यहाँ से टिकट अवेलेबल नहीं है, तो रात में यात्री कहाँ जाएंगे। 2 अक्टूबर का ये वीडियो है और 2 अक्टूबर को ट्रेन जो खुलती है कटिहार से, वो रात में 12 बजे ललित ग्राम पहुँचती है, वहाँ से खुलने का टाइम है। अब 12 बजे रात में यात्री कहाँ जाएंगे टिकट लेने के लिए, या फिर उन्हें ट्रेन छोड़ना होगा या फिर किसी और ट्रेन से उन्हें जाना होगा या फिर एक हफ्ते का और इंतज़ार करना होगा, तभी जाकर वो कहीं और से टिकट लेकर ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं। आइए सुनते हैं इस वीडियो में कि यात्रियों की क्या परेशानी है, क्या कह रहे हैं यात्री। और ये वीडियो हम तक पहुंचा है विपिन मंडल की सौजन्य से, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए ललित ग्राम में यात्रियों को क्या परेशानी हो रही है। सुनिए पूरा वीडियो। देख रहे हैं आप लोग स्टेशन पे खड़ा है, क्या कारण है? यहाँ पर टिकट के लिए आए थे, जो गाड़ी यहाँ से ललित ग्राम से अमृतसर के लिए जाती है, यहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में लेबर का प्लान होता है, मजदूरी करने के लिए जो जाता है, उस भाई बंधु को यहाँ पर टिकट नहीं मिल रहा है। क्या बुकिंग काउंटर खुला हुआ है? बुकिंग काउंटर बंद है और कुछ मिनट पहले यहाँ पर अनाउंस किया गया था कि ललित ग्राम में टिकट अवेलेबल नहीं है और कहीं से आप लोग टिकट बनाइए, जो कि यह समस्या बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ हम लोग जाएंगे टिकट बनाने के लिए? जनरल भी रिजर्वेशन में, और जनरल बोगी को भी रिजर्वेशन में ही कहता है कि टिकट बुक करने के लिए। टोटल यहाँ जो अनाउंसर किया गया था स्टेशन प्रबंधक के द्वारा, वह क्या बुकिंग काउंटर खोल करके आपको बताया गया है या बंद है? नहीं, बुकिंग काउंटर बंद था, वैसे मैक से अनाउंस कर दिया गया था, जो कि यह बहुत बड़ी समस्या है। रात में हम लोग कहाँ जाएंगे टिकट बुक कराने के लिए? क्या नाम हुआ आपका? रघुनंदन पासवान। घर? छुट्टी। वार्ड नंबर? 6। क्या दिक्कत है आप लोग के साथ में? समस्या सर ये है, जो ललित ग्राम ट्रेन आज 3 हफ्ता से चल रहा है, हफ्ता में तो एक बार ट्रेन दिया गया है, 3 हफ्ता से ट्रेन चल रहा है, आज 1 घंटा गाड़ी विलम्ब से चल रहा है। अनाउंस अभी किया है, जो यहाँ से जनरल डिब्बा में हमने इंक्वायरी किया था, एक रोज आकर के जनरल जो डिब्बा 6 बजे किया गया है, जनरल भी आज बोलता है रिजर्वेशन करा के जाना पड़ेगा। हम लोग मान लीजिए बगल में घर, हम सोचिए टिकट ले लेंगे, चढ़ जाएंगे, अब बोलता है राघोपुर जाइए, सकरी जाइए, झंझारपुर जाइए, जहाँ आना वहाँ टिकट ले सकते हैं। कौन बोला? स्टेशन से अनाउंस में किया अभी। बुकिंग खुला हुआ है? बुकिंग बंद, काउंटर भी बंद है। कितने लोग को लेके जा रहे हैं आप? तो 20 आदमी है सर। कहाँ जाना था? जलंधर। सब अभी बिना टिकट है? क्या बोले? सब आदमी बिना टिकट है? सब बिना टिकट है। अब हम ट्रेन में जब चढ़ जाए तो टीटी जो 250-300 रुपया फाइन करेगा, हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? जब हमारे घर के नजदीक से ट्रेन चलाया गया है, सरकार से हम यही कहेंगे, तो टिकट क्यों नहीं बहाल किए हैं ये बताइए। क्या नाम हुआ आपका? विपिन मंडल। घर? घर ललित ग्राम। क्या समस्या आपके साथ में? समस्या सर यहाँ है कि हम लोग दूर दूर से आए हैं और यहाँ पे टिकट मांगे तो बोलता है कि यहाँ पे टिकट नहीं बनता है, जहाँ से बनता है वहाँ से बनाइए, वो भी रिजर्वेशन बनेगा, जनरल डिब्बा भी रिजर्वेशन बनेगा। जनरल 6 बजे पहुँच दिया। कौन बोल रहा है? स्टेशन मास्टर, वो भी जो है ना पता नहीं किधर से बोला, मैप में हम लोग को देखे भी नहीं कि कहाँ से बोल रहा है, और अंदर से ही अंदर बोला है कि यहाँ पे टिकट तो बुकिंग नहीं होता है। 1 घंटा गाड़ी विलम्ब से चल रहा है, फिर अनाउंस कर दिया जो हम लोग, और हम लोग जब से आए हैं तो परेशान है पूछने के लिए कि टिकट कहाँ बनता है। अभी हम लोग शाम का आए हुए वहाँ पता चलता है कि जो नहीं मिल रहा है टिकट, तो हम लोग वापसी भी जाते। कितना बजे से आप लोग आए हुए हैं? हम लोग यहाँ 7 बजे का आए हुए। 7 बजे से बुकिंग बंद है? 7 बजे से बुकिंग बंद है और काउंटर फाउंटर सारा बंद था, खुलबे नहीं किया। उसके बाद जो है क्या करते, हम लोग घूमे फिरे, हम लोग क्या पता था अभी गाड़ी आने वाली है, तो कुछ क्षण पहले जो है अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पे जो है टिकट नहीं मिलेगा, और टिकट जो है ना सारा मिलता भी है तो रिजर्वेशन मिलता है, जनरल डिब्बा भी,
और उसके बाद जो है जहाँ मिलता है वहाँ से जाकर के बुकिंग करेंगे। ये स्टेशन मास्टर के द्वारा का नाम? ललितग्राम में स्टेशन मास्टर के द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय कुमार यादव। घर? घर हुआ चकला छोटा बुटार गया चकला। क्या समस्या है, देख रहे हैं आप लोग स्टेशन पे आए हुए हैं। समस्या ये है कि अभी जो सरकार ट्रेन यहाँ चलाई है तो उसमें टिकट का लिए बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। ये टिकट मास्टर बोल रहा है कि हम अभी टिकट नहीं देंगे। जब ट्रेन चलाया है यहाँ पे तो टिकट क्यों नहीं देगा वो है? समस्या ये जानने चाहते हैं क्योंकि वो काउंटर ही बंद रखा है, बोल रहा टिकट नहीं देंगे। बोल रहा टीटी से कटा ला, टीटी लेता 250 रुपया वहाँ पे, 250 रुपया कहाँ से भरेंगे? एक्स्ट्रा लेता है, टिकट अलावा 250 रुपया एक्स्ट्रा लेगा वो, डबल फाइन लेगा, कहाँ से हम लोग देंगे उसको पैसा? कौन सा स्टेशन पे टिकट का सुविधा? जब ट्रेन ललितग्राम आती है तो हम चाहे टिकट हम दरभंगा में जाके बनाएंगे, वो बोल रहा है दरभंगा में जाके बनाना है, जहाँ मिलता वहाँ, हाँ जहाँ मिलता वहाँ बनाना है, चाहे बनाएंगे टिकट आप जब ट्रेन दिया है टिकट बनाइए। कितना लेबर है आप लोगों के साथ में? 50 लेबर है अभी, सब विदाउट टिकट अभी जा रहे हैं। इंक्वायरी कीजिए, नहीं होगा तब ना, 50 लेबर यहाँ रखे हुए हैं, टिकट नहीं दे रहा, सब जंडले में। क्या नाम हुआ आपका? भोला मंडल। घर? ललितग्राम। वार्ड नंबर? 14। हमसे पूछिएगा यही सब करते हैं, रात में दूरबीन लगाते हैं, लगाना पड़ता है ना। हेलो, भारत सरकार नहीं रहे हैं। तो यात्रियों को सुना आपने किस तरह परेशान हो रहे हैं, किस तरह परेशानी का सामना कर रहे हैं ललितग्राम रेलवे स्टेशन पर, और टिकट काउंटर जो वो बंद है। तो ये सिस्टम की लापरवाही आखिर कैसे चलेगी? क्या समस्तीपुर डिवीज़न को ये खबर नहीं है कि जो ट्रेन चल रही है इस रूट में वहाँ पर स्टेशन मास्टर आखिर क्या कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ बैठने का वो तनख्वाह लेते हैं, बैठने का सैलरी लेते हैं, और यात्री जो है इधर उधर परेशान होते हैं, ऐसे में रेलवे का भी नुकसान होता है, रेलवे का भी घाटा होता है। ये सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और समस्तीपुर डिवीज़न और साथ ही इंडियन रेलवे से ये रिक्वेस्ट है कि ललितग्राम या फिर जो भी ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन की टिकट जो है अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर अवेलेबल करवाया जाए, यात्रियों को परेशान ना किया जाए। और अभी डिजिटल दौर ज़रूर है लेकिन हर लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, हर लोग खुद से टिकट को बुक नहीं कर सकते, ये भी आपको समझना होगा। तो जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर किया जाए और जल्द से जल्द यहाँ पर टिकट काउंटर जो वो खुलवाया जाए, टिकट काउंटर तो है लेकिन उसको वहाँ से ट्रेन का टिकट दिया जाए। तो ये थी अपील। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए, समस्तीपुर डिवीज़न तक पहुँचाइए और इंडियन रेलवे तक पहुँचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।